दोस्तों बॉलीवुड के ऊपर ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि यहाँ पर जो अवार्ड्स होते हैं ये सारे के सारे फेक अवार्ड्स हैं, जो पैसे देकर खरीदे जाते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो खरीद लेते हैं। ऐसे तमाम जितने भी बॉलीवुड में अवार्ड शो होते हैं वो सब के सब बिके हुए हैं। इन अवार्ड्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी के चलते अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे जो कलाकार हैं इनका बहुत पहले विरोध कर चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन अवार्ड्स पर यकीन नहीं करते और ना ही उसका हिस्सा बनते हैं। अब इसी को लेकर यामी गौतम ने भी अपनी राय रखी है और कहा है कि इन फेक अवार्ड्स का मैं कभी हिस्सा नहीं बनती हूं, इस फेक अवार्ड्स में मैंने जाना बंद कर दिया है क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि ऑस्कर में ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उन्होंने उनकी तारीफ की और कहा कि काफी मेहनत की है, एक सही आदमी को सही अवार्ड दिया गया है, वो सही मायनों में उसके हकदार थे। यामी गौतम है जो पिछली बार आर्टिकल 370 में देखी गई थी, ये फिल्म अच्छी खासी सुपर डुपर हिट रही। 100 करोड़ की इस फिल्म ने कमाई की है। ये फिल्म के बाद शैतान आई थी, शैतान भी 100 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है। तो बॉलीवुड का वो जो बुरा दौर चल रहा था पिछले 2.5-3 सालों से, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो अच्छे ट्रैक पर लौटते चले आ रहे हैं। यानी अच्छी फिल्में बनेगी तो जनता उसे पसंद भी करेगी और देखने भी जाएगी। और जितनी भी ये सारी बॉयकॉट वाली चीजें चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, वो सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उन बॉयकॉट्स में कोई भी दम नहीं रह गया है, क्योंकि दम होता तो हमारे खुद के वीडियो वायरल होते, लोग देखने के लिए आते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन देने वाले ही अब बॉलीवुड की फिल्मों को देख रहे हैं। ऐसा मैंने कई बार कहा है, क्योंकि अगर देख रहे होते तो वाकई में हमारा चैनल भी एक्टिव होता।